हेलो, मेरा नाम विमल है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और BHU से PhD कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, और यहाँ TD कॉलेज में आपके गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ाता भी हूँ। और दुर्गेश जी ने जैसा बताया कि आपको संविधान पढ़ाना है, संविधान के बारे में अगर हम बात करें, पहली बात तो यह है कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, आपके पास समय बहुत कम है ना, तो जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो थोड़ा स्थिर होकर करना चाहिए हमें, लेकिन समय का अभाव है। तो अगर हम समझें कि पहली बात यह है कि दिक्कत इस बात की है कि संविधान से मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बताया 2-4 या 5 क्वेश्चन, लगभग इतने ही पूछे जाएंगे ना, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो 4-5 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरी तरह से लगभग तथ्यात्मक क्वेश्चन होंगे। तो लेकिन हमें तथ्य याद नहीं होते हैं, तथ्य फिसल जाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी तेज़ी में रहते हैं, बहुत रेस में रहते हैं ना, कि उसको पकड़ लें उसको पकड़ लें, तो इस बात से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हमारी अवधारणाएँ स्पष्ट रहें। ठीक है, मतलब तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हमारी अवधारणाएँ स्पष्ट रहें। अगर हम संविधान पढ़ें, संविधान को अगर व्यवस्थित रूप से हमें पढ़ना हो तो 3 महीने आपको लगेंगे। ठीक है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे आप, उछल कूद नहीं करेंगे तो 3 महीने लगेगा। और अगर थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं, रिवीजन की तरीके से पढ़ते हैं, तो 1 महीने लगेगा। और यहाँ बात है, यहाँ 2020 भी नहीं है, उससे भी कम समय है, 6-7 महीने। तो हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम आपको पूरा संविधान बता देंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हाँ, जो ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, 2 चीज़ें होती है, एक हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और एक तरीका होता है कि हम अपने कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और ज्ञान जानते हैं भारतीय समाज में ज्ञान उतना प्रासंगिक है नहीं, तो जो क्या है सीधा दिखता है कि वो नौकरी है, इतना वेतन है, ये करना है वो करना है। ठीक है, तो आपका भी वही तरीका है, 2020 से पहले आपको खेलना है। तो संविधान की एक जो अवधारणा है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपके पास नोट्स हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आप कीजिएगा, आपके पास दुर्गेश सर ने जैसा नोट्स दिया है उसको उपयोग कीजिए, और लूसेंट का संविधान का जितना भाग है, थोड़ा सा है ना, लूसेंट जनरल नॉलेज की बाइबिल है। ठीक है, उसको इग्नोर आपको नहीं करना है, तो जो उसमें संविधान का पोर्शन है उसको आपको पढ़ लेना है। लेकिन फिर दिक्कत हो जाती है लूसेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि 5-5 बार लोग उसको रंगते हैं लेकिन भूल जाता है। लूसेंट जानते हैं आप लोग ना, तो हाँ पूरा तथ्य है, और अगर आप तथ्य रटेंगे कल भूल जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है, जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं 2 चीज़ें ज़रूरी आपके लिए होती हैं। पहली बात कि आप देखें, पहली बात ये है कि अवधारणा आपकी स्पष्ट रहे, और अवधारणा जब स्पष्ट रहेगी आप तथ्यों पर अच्छे से काम कर लेंगे। ठीक है, बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ना है, 6-7 दिन में ही इत्मीनान से पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि तीर मार देंगे बहुत तेज़ी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता है ना, जो टीचर होता है एकदम डरा धमका कर, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप भी डर जाते हैं कि यार कुछ बहुत बेहतरीन बता रहा है, और आप ऐसे देखते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना, सामान्य रूप से ऐसा ही होता है। तो आप लोग तो मतलब बेसिक लेवल के पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान कैसे पढ़ाना चाहिए। तो अवधारणा आपकी जब स्पष्ट होगी आप तथ्यों को आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, और जब हम किसी कंपटीशन की बात करते हैं, तो आप जब शुरुआत करते हैं 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक ये होता है कि आप उसका सेलेबस देखें, सेलेबस या पैटर्न देखें, और दूसरी चीज होती है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन देखें, पुराने क्वेश्चन कैसे आए, तभी तो आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई भी आकर कुछ भी पढ़ा कर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो जरूरत इस बात की है कि आप सेलेबस देखें। सेलेबस में उन्होंने जैसा मुझे बताया कि सिर्फ संविधान लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ है ना, आपके सेलेबस में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि संविधान। और ओल्ड क्वेश्चन अगर मैं देख रहा था, कि मतलब जो आपके यहाँ एग्जाम ड्यूटी में था तो क्वेश्चन देख रहा था, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन, मतलब तथ्य हैं, लेकिन क्या होता है आप उस तथ्य में गलत अंदाज लगाकर तुक्का मार देते हैं। और दिक्कत इस बात की है कि जब आप अवधारणा क्लियर रहेगी ना, जब आप तुक्का मारेंगे तो फर्स्ट या सेकेंड में आपको कन्फ्यूजन होगी, मतलब 2 में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको कन्फ्यूजन कहा जाता है। और यहाँ के बच्चे कन्फ्यूज होते हैं 4 में, ठीक है, और कहेंगे कि मैं कन्फ्यूज था, वह कन्फ्यूजन नहीं होता, वो आपको आता नहीं है। तो ज़रूरत की बात यह है कि आप जब कन्फ्यूज हों तो 2 में हों, तो वहाँ संभावना बढ़ जाती है कि आप ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो अवधारणा स्पष्ट रहेगी तो ये काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, जैसे अगर आपके संविधान के भाग पूछे जाते हैं, तो हम बात शुरू फिर कर देते हैं, संविधान की बात शुरू कर देते हैं। संविधान की बात शुरू करने के पहले मैं आप सबको ये सब नहीं बताऊंगा, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, ये सब पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं, उसके डिटेल में नहीं जाना, हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वो सब उसमें चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बात ये आती है, जब संविधान की बात हम कर रहे हैं, पहली बात तो
भारत का संविधान ही आपको पढ़ना है। और जैसा कि जानते हैं कि जब हम खानाबदोश स्थिति में थे, धीरे धीरे लोग संग्रहित हुए, यही जगह रहना, इकट्ठा रहकर रहना प्रारंभ किए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब इकट्ठा रहना प्रारंभ किए तो एक सोसाइटी बन जाती है, एक समाज बन जाता है। अब उस समाज को चलाने के लिए कोई नियम चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें, मतलब शासन आप करेंगे जब आपका समाज बन रहा है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, इधर उधर कुछ भी आड़ा तिरछा लाइन खींचूंगा, आप उन्हें लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट्स आपके पास हैं, लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको, यहाँ पर जो करूंगा उसका एक डायग्राम बना लेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अवधारणाएं आएंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं शासन के अंग की, ठीक है, शासन के अंग की, जैसा कि हम जानते हैं कि जब आपका समाज आ रहा है तो वह चलाया जाएगा, शासित किया जाएगा ना, तो शासन के अंग आएंगे निश्चित रूप से। शासन के अंग मतलब उस समाज को चलाने के लिए ये आप जानते हैं कि कानून बनाने होंगे। जो कानून बनाएगा उसको क्या कहेंगे, विधायिका कहेंगे। यह क्या करेगा, कानून निर्माण, ठीक है, कानून निर्माण। उसके बाद इस कानून निर्माण तो हो गया, मतलब समाज को चलाने के लिए आपके कानून जो हैं बन गए। अब उस कानूनों को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा, ठीक है। तो कार्यपालिका क्या कार्य करेगी, उन कानूनों या नियमों को लागू करने का कार्य, ठीक है। अब नियम सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए कौन होगा, न्यायपालिका होगी। कहां गायब हैं आप लोग, यही है दिमाग, इधर उधर क्यों देख रहे हैं। तो इस नियमों को लागू करने का कार्य कौन करेगा, न्यायपालिका। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान आकृष्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप क्या है, थोड़ा इत्मीनान से, मैं बता रहा हूं ना कि इत्मीनान से समझने की कोशिश चीजों को कीजिए, तब तथ्य फिसलेंगे नहीं। अगर आपकी अवधारणाएं क्लियर रहेंगी तो तथ्य फिसलेंगे नहीं, बात समझ रहे हैं मेरी ना। तो न्यायपालिका क्या कार्य करेगी, जांच करने की कार्य करेगी कि क्या सही नियमों को लागू किया जा रहा है कि नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये बातें हो गई, शासन के अंग हो गए। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भारतीय समाज आपका भारत राष्ट्र के रूप में जब स्वतंत्र होता है तो उसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। अब आपसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, पहली बात तो संविधान तो एक दिन में बन नहीं जाएगा ना, वह एक लंबी प्रक्रिया है। और जैसा कि आप हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है ना, इतिहास भी आपको पढ़ना है ना, तो उस इतिहास में ही आप संविधान निर्माण की कहानी भी पूरी देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब पहले हम हॉलिस्टिक तरीके से देखें तो इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसके बारे में आप हल्का फुल्का जानते होंगे, प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर पूरा मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद मिडिवल पीरियड में पूरा आप सल्तनत काल, ठीक है, मुगल काल, यहाँ तक जानते हैं। मुगल काल के पश्चात फिर जानते हैं, यहाँ आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। ये लोग किस लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं ना। रानी जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, उनके चार्टर के द्वारा उनको आदेश मिलता है कि वो व्यापार करेंगे, कहां पर, एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में व्यापार करेंगे। अब बात ये आती है व्यापार करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको क्या होता है, यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर थोड़ा बिखराव था, लोग अलग अलग भागों में जो रजवाड़े हैं वो बटे हुए हैं। अब जब बिखराव है उसका वो लोग फायदा उठाते हैं, और ये आपको पता है कि आप व्यापार करेंगे तो आपको सहूलियत इस बात की चाहिए कि जो कानून बन रहे हैं वो आपके मुफीद हों, आपके तरीके से बने। तो धीरे धीरे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं, और जब हस्तक्षेप करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर रजवाड़ों में जानते हैं कि आप सही सिस्टम नहीं चलता है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं, ठीक है, मैं 100 साल 200 साल इधर उधर होता रहूँगा, ठीक है, उसको आपको समझ लेना है। जैसे 1757 में कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का, ठीक है, और 1764 में कौन सा होता है, बक्सर का युद्ध होता है। अब जो बक्सर का युद्ध रहता है ये बहुत निर्णायक है, ठीक है, बक्सर की, अच्छा आप डेट भी तथ्य भी याद रखते चलिए। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात क्या होता है, अवध की संधि होती है,
और वहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस बक्सर की युद्ध के फलस्वरूप इसको अधिकार मिलते हैं, दीवानी के अधिकार, ठीक है, दीवानी अधिकार मिलते हैं, मतलब जायदाद से संबंधित, बात समझ रहे हैं ना, तो उनको दीवानी के अधिकार मिलते हैं। अब फिर क्या होता है, जब उनको अब अधिकार मिल गए, अब निश्चित रूप से वो कानून बनाएंगे अपने हिसाब से ना, तो अब वह क्या करते हैं, 1773 से अगर आप देखेंगे, अगर उसको हम बांटें तो 1773 से, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपको पता है। अब मैं ये बात इसलिए कहानी आपको बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहली बात तो इतिहास से आपसे पूछा जा सकता है कि वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरी चीज़ की जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1813 का जो अधिनियम 1833 का है ना, 1853 का है, तो इन सब अधिनियमों से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कहने के लिए तो कानून बहुत सारे हैं, लेकिन जो एकदम से इंपॉर्टेंट है उनकी बात एक एक पॉइंट में हम लोग लिखते चलेंगे, वो पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर हम बांटें तो बात यार 1764 से उसको अधिकार मिल गए, तो इतिहास को अब हम दो चरणों में यहाँ से बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, पहली बात तो अगर हम देखें, दो चीजें हम देखेंगे, एक तो अपना राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, ठीक है, एक राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री से भी जुड़े हैं, बात समझ रहे हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ेंगे तो उससे फायदा आपका ये होगा कि संविधान निर्माण की कहानी भी समझेंगे, और दूसरी बात आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी थोड़ा तैयार हो जाएगा, और संविधान तो समझेंगे क्योंकि संविधान निर्माण से क्वेश्चन पूछता है, ये सब तो अब लफाजी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ना, थोड़ा और डीप में हो सकता है आपसे पूछ ले, समझ रहे हैं ना। तो एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है साथ साथ में, और एक क्या चल रहा है, कंपनी और इनका शासन चल रहा है। तो अगर हम शासन को बांटें, पहले राष्ट्रीय आंदोलन को हम छोड़कर यहाँ पर अगर हम शासन व्यवस्था को बांटें, तो उसको हम देखते हैं दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, ये जो कंपनी का शासन है यह है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है ना, 1773 से यह चलता है, राष्ट्रीय आंदोलन को भी मिटा ही देते हैं, ठीक है, 1773 से चलता है 1857 तक, हम कह सकते हैं कब तक चलेगा, 1857 तक। उसका कारण क्या है, कारण है कि 1857 में यहाँ क्रांति होती है। अब देखिए फिर 1857 की क्रांति से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन क्या होगा वहां पर, उसको मैं कल लिखवा भी दूंगा, क्वेश्चन क्या होगा कि कहां से किसने प्रतिनिधित्व किया, यही तो पूछा ना कि लखनऊ से किसने किया, कानपुर से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए पढ़ाई लिखाई जो चीज होती है ना, एक तो तथ्यों का रटना होता है, वो आप तेजी तेजी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप जो जीएस की जहां तक हम बात करें, और सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं जानता हूं, जीएस की हम बात करें तो जीएस के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसमें इंटरेस्ट लें। जैसे आप बाल मनोविज्ञान पढ़ते होंगे तो बच्चों के साथ क्या है, बच्चों में आप जिज्ञासा लाइए, उनको रटाइए मत। अगर आप जो भी जीएस का जो भी पाठ्यक्रम है उसके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, इतिहास है, भूगोल है, जो भी इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको याद जल्दी हो जाएगा, रिसीवर आप अच्छे हो जाएंगे। तो अगर हम देखें 1857 की क्रांति होती है ना, 1857 की जब क्रांति होती है, तो आज हम मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, ठीक है, कल पूरा उसकी कहानी समझेंगे और तथ्यों को आपको लिखवा देंगे। जब 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने इनको ऑर्डर दिया है, कंपनी को उसने ही ऑर्डर दिया है वहां पर व्यापार करने के लिए। अब फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि अब तो कंपनी वहाँ व्यापार अच्छे से नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं ना, यहाँ तो विद्रोह बहुत, उसको कुछ लोग कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि वह सिपाही विद्रोह मात्र था, ऐसा है ना। तो अब क्या हो जाता है, धीरे से वहाँ का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो सम्राट है, वह भारत को अपने अधीन ले लेता है। तो यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है 1858 के अधिनियम के द्वारा, इसे ताज या सम्राट का शासन आप कह सकते हैं, ताज वहां का क्राउन जिसे कहते हैं, प्रतीक है, सम्राट का शासन हो जाता है। और सम्राट का शासन कब से कब चलता है, 1858 से 1947 तक आप कहेंगे, जब तक आपका देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि आपका जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक जो विकास है, उसके साथ क्या हो रहा है कि हम पूरा 1773 से 1857 कंपनी के शासन को देख रहे हैं, और फिर ताज या सम्राट के शासन को देख रहे हैं 1857 से 1947 तक, दो भाग यहां कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद 1947 के पहले, जैसा आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो फिर आपके देश को स्वतंत्र होने के लिए
तमाम कमीशन आते हैं, फिर कि जैसे कैबिनेट मिशन आता है तो संविधान सभा का निर्माण होता है, ये सब बातें हैं, ठीक है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंपनी के शासन में देख लेते हैं कौन कौन से कानून बने, उनको एक एक पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे 1773 का अधिनियम है, उसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ ना, 1784 का पीट इंडिया एक्ट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। और दूसरी चीज, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो आपके संविधान का विकास कैसे हो रहा है, एक चीज और हो रही है इसके साथ ही, संवैधानिक विकास के साथ ही आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है उसको अगर हम देखें 1857 के बाद से हम देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को 1857 के बाद से देखते हैं। तो 1857 की जो क्रांति होती है, ठीक है, वहां से देखते हैं और फिर इस मतलब जो जो पड़ाव है वहां वहां हम रुकते हैं, फिर देखते हैं 1857 क्रांति के बाद 1885 में किसका गठन होता है, कांग्रेस का, कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस का गठन होता है। और ये जो कांग्रेस की धारा है दो भागों में बढ़ जाती है। पहले कांग्रेस में उदारवादी हैं जो कहते हैं कि हम जो सत्ता है उसको एक प्रकार से रिक्वेस्ट के द्वारा ले लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो जो उदारवादी चरण है वह है 1885 से 1905 तक, बात समझ रहे हैं ना। फिर जो उदारवादी जैसे दादा भाई नरोजी हैं ना, ये लोग क्या कहते हैं कि हम सत्ता को रिक्वेस्ट के द्वारा इन सब माध्यमों से ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो उग्रवादी जिनको कहते हैं, उग्रवादी या उग्रपंथी कहते हैं, वह उग्रवादी जो है उस सेंस में नहीं है जैसा आज में प्रयोग होता है, ठीक है, आज तो उग्रवादी दूसरा कुछ होता है ना, तो उस सेंस में नहीं है। तो उग्रवादी जो चरण है वह शुरू होता है 1905 से उसके बाद तक। फिर एक व्यक्ति का आगमन होता है, किसका, महात्मा गांधी का, एकदम हीरो वाली स्टाइल में आते हैं वो, कहाँ से, कहाँ से आते हैं, अच्छा हम सोचे सिंगापुर कह रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। गांधी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे ना, पूछे जा सकते हैं। तो इसी में सबको लपेटते चलेंगे, ठीक है। अब गांधी जी के साथ क्या है, गांधी जी 1891 में कहाँ जाते हैं, अफ्रीका केस लड़ने के लिए, किसका, एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी हैं उनका केस लड़ने के लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद 1893 वापस भी आते हैं, फिर परिवार को लेकर चले जाते हैं, जैसे यहाँ वाले गुजरात और मुंबई नहीं जाते हैं कि अब परिवार ले जाएंगे, सेट हो जाएंगे वहीं पर। आप लोग इतने गंभीर क्यों हैं, परीक्षा के लिए, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, मतलब चेहरे पर आप लोग तनाव बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं यहाँ जैसे बच्चे हैं, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एकदम तनाव में नहीं रहते हैं। मैं कहता हूँ बीच बीच में चॉकलेट पानी और कुछ खाद्य सामग्री लाते हो तो खा पी लिया करो, क्योंकि ये सब सीखने का माध्यम है ना, तनाव लेकर पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा, इस बात को जानिए, ठीक है। तो गांधी जी आते हैं, गांधी जी जो हैं उनके अगर फिर वहाँ अफ्रीका हो जाते हैं, 1915 में भारत वापस आते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है गांधीवादी युग की। गांधीवादी युग को फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा बांट कर। गांधीवादी जो युग है उन्नीस सौ पंद्रह में ये भारत वापस आ जाते हैं। तो अगर इस चीज को हम देखें 1915 के बाद क्या क्या होता है गांधीवादी चरण में, पहली वो शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह की ना, मतलब बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है ना। अब वह क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह उनका है, कहां करते हैं, अच्छा चंपारण इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि अभी इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, मतलब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई ना 2017 में ना, 1917 में हुआ था, 100 वर्ष बाद मनाया गया। तो ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में करते हैं, नील की जो नील की खेती करने वाले किसान थे वो लोग विरोध जो करते थे उनके साथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसी दौरान 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, जहां गांधी जी सहयोग कर रहे हैं किसका, ब्रिटिश सरकार का, किस लिए, कहते हैं कि हम अपनी नीतियों के द्वारा इनसे शासन स्वशासन ले लेंगे, स्वशासन ले लेंगे। और इसीलिए उनको, और जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो वह सैनिकों की भर्ती भी करते हैं, इसीलिए उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है तो आप गांधी जी को बताएंगे, महात्मा गांधी को। फिर क्या होता है, अब देखिए गांधी क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं, वह सत्याग्रह है। उनके दो चीजें ना, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और सत्याग्रह की बात करते हैं ना, उनके जो साधन और साध की बात है, उनको प्राप्त क्या करना है, स्वशासन प्राप्त करना है, स्वराज्य प्राप्त करना है।
मतलब एक प्रकार से महात्मा गांधी का जो साध्य है वह क्या है, स्वराज्य, मतलब हमें अपना शासन चाहिए। और साधन क्या अपनाते हैं, वही सत्य और अहिंसा, ठीक है, सत्य और अहिंसा अपना रहे साधन के रूप में। अब इसके लिए अब उनको क्या करना है, सत्याग्रह करना है। तो उनके तीन आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, कौन कौन से हैं, असहयोग आंदोलन, असहयोग यह 1920 में होता है ना, उसके बाद 10 वर्षों बाद सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा कब होता है, 1930 में ना, उसके बाद फिर क्या होता है, भारत छोड़ो, अरे सब लोग बोलिए, 1942 में होता है, ठीक है। अब देखिए इस इन आंदोलनों में कितना गैप है, गैप इसलिए है कि जो 10-10 वर्षों का एक गैप है, 10-10 12-12 वर्षों का गैप है, क्योंकि जो आंदोलन होते हैं उनमें एक समय चाहिए जब जनता की भावनाओं का उफान एक स्तर पर हो, बात समझ रहे हैं ना। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उनके साथ क्या है, अब तुरंत फिर आंदोलन करेंगे कोई भाव देने वाला नहीं है ना, अब 10 वर्षों में लोग परेशान हो जाएं, अगर परेशान हो जाएंगे, सरकारों से परेशान होना है, किसी की भी सरकार रहे, जनता तो परेशान होगी। अब कोई फिर आता है हीरो की तरह से, सबकी भावनाएं एकत्र हैं, उनको उठाकर एक आंदोलन में परिवर्तित कर देता है, और गांधी निश्चित रूप से वही कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। मतलब इनको स्वराज प्राप्त करना है, सत्य अहिंसा के माध्यम से इतने आंदोलनों का संचालन कर रहे हैं, और जो ये संचालन कर रहे हैं, अब इसमें देखिए कैसे लोगों की भावनाओं का उफान पर लाते हो। असहयोग आंदोलन है, चौरी चौरा कांड होता है, कहां पर होता है, गोरखपुर में 1922 में ना, 5 फरवरी 1922 को, तो अब उसको समाप्त कर देते हैं। फिर क्या होता है कि और लोग अलग जाते हैं, 1923 में जैसे स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है, कौन करता है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग मिलकर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, आप देखेंगे कि उसी दौरान और कमीशन आ रहे हैं, फिर 10 वर्षों जो 1919 का अधिनियम बना है, अभी हम अधिनियम के बारे में सब पढ़ेंगे, उसकी जांच करने के लिए एक प्रकार से, मतलब वह सफल हुआ है कि नहीं, आता है साइमन कमीशन 1927 में, कोई सदस्य यहाँ का नहीं रहता तो लोग विरोध करते हैं, ऐसा है ना, तो विरोध करते हैं तो साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। तो जनता की भावनाएं क्या है, एकत्र हो रही हैं। 1929 में क्या होता है, फिर लाहौर अधिवेशन होता है ना, फिर जब सबकी भावनाएं एकत्र हो गई तो 1930 में आंदोलन हो जाता है सविनय अवज्ञा, जहां नमक कानून तोड़ा जाता है, जो दांडी यात्रा होती है ना, वो चीजें हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही 1935 का नियम आता है ना, और तमाम चीजें आती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और भारत को कोई भाव नहीं मिलता है ना, और यहाँ के सैनिकों को फिर भर्ती किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि हमें अब स्वशासन चाहिए। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है। मतलब आप पूरे इस दौरान आप देखेंगे कि ये सब आंदोलन हो रहे हैं, उसी दौरान संविधान और स्वशासन की मांग हो रही है, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है कि एम एन राय कहते हैं, कि लाला लाजपत राय, कौन कौन क्या क्या कहता है, उसे आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास की, बात समझ रहे हैं ना, मतलब आपके राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संवैधानिक विकास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब संवैधानिक विकास में हम तोड़कर पढ़ेंगे, तोड़कर कैसे पढ़ेंगे, कंपनी का शासन पहले देख लेते हैं 1773 से 1857 तक ना, उसके बाद फिर हम ताज के शासन को देखेंगे 1857 से 1947 तक। अब लोग आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी जल्दी पॉइंट लिखिए, 1773 में एक एक दो दो पॉइंट क्या क्या होता है ना। तो ठीक है, लिखिए पहले लिखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आज हम पूरा इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा आपको जटिल अभी लग रहा होगा कि यार ये सब क्या है ना, लेकिन संविधान जो आपका अस्तित्व में आ रहा है इसी वजह से आ रहा है ना। तो अगर हम देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, लिखिए, वारेन हेस्टिंग्स को, मतलब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
मतलब वहाँ पर क्या होता है कि उनको, मैंने बताया ना कि बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के दीवानी के अधिकार उनको प्राप्त हो गए थे 1765 में, जो 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, अब उनको अधिकार प्राप्त हो गए हैं। अधिकार प्राप्त हो गए हैं तो वह रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग मतलब क्या, नियमित करना, रेगुलेट करना, बात समझ रहे हैं ना, मतलब कंपनी के शासन को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे नियमित करना है, फिर उसी लिए नियम बनाते हैं। तो जो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाते हैं और बंगाल के अधीन ये कर देते हैं, किसको, मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर देते हैं, जहां पर उनको अधिकार मिले हैं, मद्रास और बंबई, उस दौरान कहते थे ना मुंबई नहीं कहते थे, ठीक है, उसको अधीन कर देते हैं। और इसी के द्वारा 1774 में, लिखिए 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, इसी माध्यम से हो रहा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और लिखिए निजी व्यापार तथा इसी, मतलब ये सब जो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसी में हो रहा है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद लिखिए निजी व्यापार, निजी व्यापार तथा उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया, निजी व्यापार तथा उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया, निजी व्यापार तथा उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस बात को अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को किस नियम के माध्यम से बनाया गया, या उपहारों पर कब प्रतिबंध लगाया गया, उपहार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे ना वह उपहार लेते थे घूस के रूप में, आज जैसा आज भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको घूस के रूप में लेते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके अलावा निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया कि जो कंपनी के व्यापारी हैं निजी व्यापार नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे सरकारी कर्मियों को कई सारी चीज़ों पर रोक नहीं रहती है, लगभग ऐसा। और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, लिखे इसमें लिखे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसके अधीन क्या कर दिया जाता है, राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामले जो हैं, और एक आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापारिक मामले को देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यह क्या देखता है, व्यापारिक मामले। तो इसके 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसमें दो बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले देखते हैं। उसके बाद चार्टर अधिनियम और आते हैं, 1793 का आता है, 1813 का आता है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैं उसको लिखवा देता हूँ। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम मतलब वहाँ के जो रानी या राजा हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है, एक पत्र आ रहा है, ठीक है, एक प्रकार से आदेश आ रहा है, ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, जानते हैं ये सब बोझिल इसलिए हो जाता है कि हम शब्दावलियों का अर्थ नहीं जानते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग क्यों है, हाँ शब्दावली कठिन है, तो वकील क्या है, उसको व्याख्या उसकी करते हैं, और जब व्याख्या करते हैं तो उसके एवज में पैसा लेते हैं। तो यही होता है कि हमें शब्दावलियाँ नहीं समझ में आती है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो चार्टर का मतलब यही है कि जो आदेश उनके द्वारा पारित किया जा रहा है। तो 1833 के जो चार्टर अधिनियम उसमें क्या होता है, लिखिए बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और वह है लॉर्ड विलियम, वेरी गुड, बैंटिंग है, बैंटिंग या बैंटिंग का लिख दीजिए, बैंटिंग का लिख दीजिए, जो भी बैंटिंग, ठीक है।
का ही लिख लीजिए, बैंटिंग, ठीक है। तो जो चार्टर अधिनियम आता है इसमें, अब हम लोगों ने कहा 1773 में क्या हो रहा है, 1765 में अवध की संधि हो रही है, अब वहाँ उसके द्वारा फिर क्या हो रहा है कि उनको अधिकार मिल रहे हैं, कंपनी को अधिकार मिल रहे हैं। तो 1773 के अधिनियम में एक बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना, कौन है वह, वारेन हेस्टिंग्स। मतलब अब आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, नहीं वो तो बंगाल का हुआ है ना, मतलब हाँ, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वह कौन है, हेस्टिंग्स है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, बैंटिंग है, और वह बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। हाँ अभी आप देखेंगे वायसराय की संज्ञा बाद में दी जाती है, वायसराय कैनिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1853 का अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है, मैकाले समिति की, लॉर्ड मैकाले को आप लोग पढ़े होंगे ना, मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है कि भर्ती कैसे की जाए, और इस मैकाले समिति ने ही भारत में खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती कराने की संस्तुति की। उसके बाद फिर जानते हैं कि वह 1857 की क्रांति होती है, क्या हुआ, नहीं 33 में वह विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होता है, 33 में एक जो बोर्ड बनता है वह विधि सदस्य के रूप में मैकाले है, जो मैकाले समिति है 1853 में आती है ना, भर्ती के लिए है वो, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, तो वहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं, राज्याध्यक्ष हैं ब्रिटेन के, उनको लगता है कि शक्तियाँ फिसल रही हैं। फिर 1858 का आता है भारत शासन अधिनियम, कि भारत पर शासन कैसे करना है, और अब हम, ये तो हो गया किसका, कंपनी का शासन पूरा हो गया, अब हम पढ़ेंगे किसका, ताज का शासन, बात समझ रहे हैं ना, अब हम पढ़ेंगे ताज का शासन। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम में क्या होता है, देखिए शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाता है, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। उसके बाद लिखिए राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है ना। उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया जाता है, वायसराय, जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय कर दिया जाता है, और यह पहला वायसराय कौन होता है, कैनिंग, हाँ कैनिंग हो जाता है। तो गवर्नर जनरल, अब आप बताएंगे पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1861 का अधिनियम आता है, 1861 का अधिनियम आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही आपको लिखवाते चल रहा हूं एक एक करके, ठीक है। 1861 का अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम जिसे कहा जाता है, वहां पर शुरू की जाती है विभागीय व्यवस्था, क्या विभागीय व्यवस्था, इस बात को आपको समझाता हूं, विभागीय व्यवस्था को कोष्टक में लिखिए पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो, एग्जाम आप लोगों का कब है, अच्छा प्रस्तावित है, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। तो 1861 का अधिनियम आता है तो विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, और विभागीय व्यवस्था की शुरुआत कौन कर रहा है, कैनिंग, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए विभागीय व्यवस्था की शुरुआत क्यों की जा रही है, दरअसल जब शासन सत्ता क्राउन अपने हाथों में ले रहा है, अब जैसे जैसे आपका समाज बढ़ेगा, 1857 की क्रांति होने का मतलब यहाँ जनता अधिकार भी मांग रही है, और जब आप नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है, अच्छा ये आ रहा है, तो जो अधिकार मतलब यहाँ के लोग मांगते हैं तो उनको विस्तार करना पड़ता है, मतलब राज्य के कार्य बढ़ते हैं, सरकार के कार्य बढ़ते हैं, विभाग का सृजन तभी किया जाता है जब सरकार के कार्य बढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं ना। जैसे भारत में भी देख लीजिए नए नए विभाग बनाए जाते हैं, गंगा साफ करनी है गंगा के लिए एक विभाग बना दिया, मंत्रालय ही बना दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि आप मंत्रालय या विभाग का सृजन तब करते हैं जब राज्य के कार्यों की या शासन के कार्यों की अधिकता होती है।
तो यहाँ से कैनिंग क्या करता है, 1861 में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत करता है जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। कभी कभी आपसे पूछता है पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की, तो कैनिंग ने की, और किस अधिनियम के माध्यम से, 1861 के अधिनियम के माध्यम से। ये बात हो गई। उसके बाद आता है जो इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, लिखिए 1892 का अधिनियम, 1892 का, 1892 का अधिनियम। क्या हुआ? अच्छा छोड़ दें, 5 मिनट में छोड़ दें, ठीक है। 1892 का है। इसमें क्या है, इसमें है लिखिए बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति, बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति। तो 1892 का जो अधिनियम है, दो चीजें आपको मिल जा रही हैं। एक तो आप बजट जो पारित होता है उस पर आप बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और दूसरी चीज कार्यकारिणी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं जो उनकी कार्यकारिणी है। उसके बाद लिखिए 1909 का अधिनियम, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 1909 का अधिनियम, उसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। 1909 का जो अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। यहां से क्या बात शुरू हो जाती है, पृथक प्रतिनिधित्व की बात होती है। इसकी जो खास बात है पृथक प्रतिनिधित्व की। अब भारत में यहीं से सांप्रदायिकता का जन्म भी होता है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि धर्म के आधार पर अलग अलग सीटों का बंटवारा किया गया, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ कि यहां से पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया और यहीं से शुरुआत मानी जाती है सांप्रदायिकता। जब आपसे पूछा जाएगा सांप्रदायिकता का जनक किस अधिनियम को माना जाता है, तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आता है, इससे सांप्रदायिकता का एक प्रकार से जन्म होता है। सांप्रदायिकता तो मान लीजिए व्यक्ति के जहन में रहती है, लेकिन यहां से एक प्रकार से शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर क्या आता है, 1919 का अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम है, इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये लोग वही भारत सचिव हैं जो सचिव का सृजन किया गया और गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पर है, ठीक है, उन्हीं के नाम पर है। इसमें क्या खास बातें होती हैं, लिखिए प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो जाएगी, मतलब आरक्षित विषय हो जाएंगे, हस्तांतरित विषय हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद आता है अच्छा ये चीज यहाँ और जान लेते हैं, 1919 का अधिनियम आता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी के द्वारा ली कमीशन गठित किया जाता है, ली कमीशन, जिसे शाही कमीशन भी कहा जाता है, शाही कमीशन भी कहा जाता है, और शाही कमीशन ही संस्तुति करता है, और 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन होता है, इस बात को भी जानते रहिए, लोक सेवा आयोग, जैसे यहां पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग नहीं होते हैं जो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है ली कमीशन द्वारा, जिसे शाही कमीशन, मतलब शाही मतलब वहां के राजा द्वारा प्रदान किया गया। तो 26 में लोक सेवा आयोग गठित किया जाता है, और इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं सर रोस बारकर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वही तथ्य आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, जो मुझे संभावना लगती है। उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, हाँ बारकर, ठीक है, सर रोस बारकर। उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का दो तीन मिनट भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आपके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395, आप लोग तो बड़े तेज हैं, ठीक है,
395 अनुच्छेद जो हैं, तो उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है, हाँ कॉपी पेस्ट किया गया है। तो उसमें लिखी कितनी धाराएं क्या हैं, लिखी उसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 में। और इसमें क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। अब इस बात को समझिए, मतलब 1919 वाले में क्या होता है राज्य में और यहां पर केंद्र में, इन दोनों बातों का अंतर जानते रहिए। एक हस्तांतरित विषय होता है, एक आरक्षित विषय होता है, ठीक है, उसके आधार पर हो जाता है। अब उसके बाद जानते हैं कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात कर ही रहे थे। अब लगातार इस बात को, स्टोरी को पूरी समझिए कि जो 1919 का अधिनियम आता है, पहले 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये बहुत बड़े माइलस्टोन हैं। उसमें होता क्या है कि जो 1909 का अधिनियम आ रहा है वह क्यों आ रहा है, देखिए कोई भी चीज़ होती है वह कार्य और कारण से बंधा हुआ होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिकता का जन्म क्यों हो रहा है, पृथक प्रतिनिधित्व क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उसका गठन 1906 में हो रहा है, तो पृथक प्रतिनिधित्व की बात होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं 1919 के अधिनियम में और अधिकार मांगे जाते हैं, क्योंकि लोग सजग हो रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है तो उसके ऊपर ब्रिटेन के ऊपर दबाव भी है। उसके बाद 1935 का अधिनियम है उसमें और अधिकार दिए जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोविजन हो जाते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात ब्रिटेन की सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ता है कि आप इनको स्वतंत्रता दें। उसके बाद आता है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आप लिख लीजिए। और इस स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत को क्या दी जाती है, भारत को एक प्रकार से स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है, स्वीकृति दी जाती है कि भारत जो है, स्वीकृति की डेट आप लिख लीजिए उसमें जरा, 18 जुलाई को स्वीकृति दी जाती है कि भारत दो अधिराज्यों में बढ़ जाएगा, किसमें किसमें, भारत और पाकिस्तान में, जिसकी डिमांड चल रही थी, भारत और पाकिस्तान। और उसके पहले ही आप जानते हैं भारत में आया था कैबिनेट मिशन, ना, कैबिनेट मिशन में व्यवस्था की गई थी एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मतलब अगर हम आपको सत्ता सौंप रहे हैं तो आप चलाएंगे कैसे, एक संविधान आपके पास होना चाहिए ना, तो कैबिनेट मिशन आया था। और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन, अब उसका मैं सदस्य भी लिखवा दूंगा, कल क्रिप्स मिशन जो है उनका और कैबिनेट मिशन का भी सदस्य लिखवा दूंगा। तब कैबिनेट मिशन के माध्यम से बात होती है संविधान सभा की। यह संविधान सभा क्या करेगी, जो जो अधिराज्य जो दिया गया संविधान, मतलब जो स्वतंत्रता का नियम आ रहा उसके पहले कैबिनेट मिशन आ गया है, तो वहां पर यह बात नहीं हो रही कि भारत का अलग से और पाकिस्तान का अलग से, एक ही संविधान सभा की बात हो रही है ना। और संविधान सभा क्या करेगी, संविधान निर्माण करेगी। अब फिर वही आपका संविधान बनाया जाता है, संविधान निर्माण का कार्य करेगी। और संविधान निर्माण, वही आप पूरी कहानी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, इस कहानी को कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल पूरा हम लोग संविधान निर्माण देख लेंगे और पूरा संविधान का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। कुछ है नहीं, एक तो किताब है, उसके 22 भाग हैं, जैसे आपका संविधान, जैसे अगर हम मान लें कि आपका संविधान है, इसको संविधान मान लें, नीचे करें कोई देख न ले, नहीं तो कहेगा संविधान कहाँ है, ठीक है, ये संविधान है। तो इस संविधान में क्या है, 22 भाग हैं, एक किताब है जिससे आपके देश की शासन प्रणाली को चलाना है, जैसा मैंने पहले कहा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो शासन की संरचनाओं को संचालित कैसे किया जाएगा, उसके लिए संविधान बनाया गया। संविधान को 22 भागों में बांटा गया, उस 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं ना, मतलब 322 भागों में ही 395 अनुच्छेदों को बांट दिया गया है। अब उसमें क्या है, तीन प्रकार, दो ऐसे देखेंगे तो एक तो है संविधान की आधारभूत संरचना क्या है, तो उसमें आप देखते हैं कि नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, मौलिक अधिकार क्या है, निदेशक तत्व तो क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये सब बातें हो जाएंगी। एक होगा कि सरकार का स्वरूप कैसा है, अब सरकार को हम बांट देंगे, एक तो हो जाएगा संघ की सरकार, मतलब केंद्र की सरकार, और दूसरा हो जाएगा राज्य की सरकार, और तीसरा हो जाएगा स्थानीय स्तर की सरकार, जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे हम पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन कहते हैं,
तो मतलब तीन प्रकार की सरकारों के बारे में आप पढ़ लेंगे और संविधान के जो आधारभूत चीजें हैं, क्या नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है, सरकार क्या कर्तव्य है, आपके क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद संविधान में कुछ संस्थाएं हैं जिनके द्वारा संचालन किया जाता है, तो उसमें कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख है। उसके अलावा भारत में कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख नहीं है संविधान में। तो संवैधानिक गैर संवैधानिक को एक दिन पढ़ लेंगे, सरकार का स्वरूप पढ़ लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।